सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऐसा करता दोस्तों, आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। तो एंड दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिंग। एंड दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फोटो एडिंग करना सीखना, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए तो लोग बहुत ही सही से जान पाएगा इस टाइप एडिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं इस फोटो एडिंग में कैसे हेयर को एडिटिंग किया हूँ, एंड दोस्तों लिप को कैसे एडिट किया दोस्तों, एंड शर्ट को कलर को कैसे चेंज किया, तो दोस्तों मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते होंगे कुछ इस टाइप का एडिटिंग करना, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों बेल आइकन पे ऑल जरूर करिएगा कि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जा सके। तो दोस्तों, आप लोग को जिस फोटो को एडिटिंग करना होगा, आप लोग उस फोटो को ले लीजिएगा, एंड उस फोटो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, हम लोग उस फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, लोगों को फोटो यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन से हो चुका है। एंड सब लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे टूल्स का ऑप्शन मिला है। दोस्तों, यहाँ है ना दोस्तों टूल्स। दोस्तों, हम लोग टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक करना दोस्तों हम लोग इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कोर्स वाला इस वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक कर देंगे, एंड क्लिक करना देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लेयर मिलेगा दोस्तों, यहाँ गोला से ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन क्लिक करना यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ रेड वाला ऑप्शन को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग रेड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक करके हम लोग ऊपर साइड में इसे ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग भी इसे नीचे नहीं दोस्तों, आप लोग इसे ऊपर साइड में प्लस करिएगा। देन कुछ हिसाब से इसे प्लस कर लेंगे, एंड प्लस करना तो फिर से हम लोग इसी लेयर पर क्लिक कर लेंगे। एंड दोस्तों क्लिक करा दोस्तों, फिर से हम लोग ग्रीन वाला ऑप्शन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रीन है दोस्तों, देन हम लोग ग्रीन वाले लेयर पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर दोस्तों हम लोग इसे भी हम लोग कुछ स्टाफ से नीचे साइड में ले आएंगे। देखिए दोस्तों, इसे आप लोग कुछ स्टाफ से माइनस कर लीजिएगा, नीचे साइड में कर लीजिएगा, एंड दोस्तों इसे डन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही का एक ऑप्शन मिला दोस्तों, यहाँ नीचे ना दोस्तों सही का डन का ऑप्शन। दोस्तों, हम लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से डन कर लेंगे। एंड बैकग्राउंड को कलर करने के लिए फिर से हम लोग शेयर के साइड में इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे व्यू एडिट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ है ना व्यू एडिट। दोस्तों, हम लोग व्यू एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करें फिर से हम लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे बीच में इरेजर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर है ना ब्रश का ऑप्शन। तो हम लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक कर दोस्तों, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को जूम करेंगे, दोस्तों इस पर ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, लोगों को बैकग्राउंड में कलर हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग भी अच्छे से बैकग्राउंड पे कुछ इस टाइप से आप लोग कलर कर सकते हैं दोस्तों, आप बहुत आसानी से। एंड सो देखिए दोस्तों, लोगों का बैकग्राउंड पे किस टाइप से कलर हो रहा है दोस्तों, आप लोग भी अच्छे से कर लीजिएगा। एंड सो मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा फास्ट कलर कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो चुका है। एंड दोस्तों, आप लोग देख सकते हो तो कुछ स्टार्स लोगों का बैकग्राउंड यहाँ पे कलर हो चुका है। तो दोस्तों, फिर से हम लोग इसे डन कर लेंगे। देखिए यहाँ नीचे सही का ऑप्शन मिला दोस्तों, हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर फिर से हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे दोस्तों। एंड बैक आने देखिए दोस्तों, हम लोग को फोटो बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों, हम लोग को फेस को व्हाइट करने के लिए हम लोग फिर से टूल्स वाला पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ टूल्स है ना दोस्तों, तो हम टूल्स पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर दोस्तों, यहाँ फर्स्ट में आपको टून इमेज का ऑप्शन मिल गया दोस्तों, यहाँ पर टून इमेज है ना दोस्तों। तो चलो टून इमेज पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड क्लिक कर दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके स्क्रीन पर स्क्रॉल करिए। देखिए कंट्रास्ट है, तो हम लोग कंट्रास्ट को कुछ इस तरह से माइनस कर लेंगे, एंड सो माइनस कर दोस्तों, यहाँ सेचुरेशन दोस्तों। एंड दोस्तों, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से प्लस माइनस करिएगा। एंड सो फिर से हम लोग यहाँ एम्बिएंस पर आ जाएंगे, एम्बिएंस है दोस्तों, एम्बिएंस को माइनस कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड सो फिर से हम लोग यहाँ से डन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे सही का ऑप्शन मिला दोस्तों, हम लोग इस पर क्लिक से हम लोग डन कर लेंगे। एंड डन करके दोस्तों, फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक कर लेना है, एंड क्लिक कर दीजिए, सिलेक्टिव का ऑप्शन मिला दोस्तों, यहाँ सिलेक्टिव है ना दोस्तों। तो हम लोग सिलेक्टिव पे क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर हम लोग इसे फेस को कुछ स्टेप जहाँ पे ब्लिक होना दोस्तों, आप लोग इसे फिक्स करिएगा, एंड दोनों फिंगर से आप लोग फेस को अच्छे से फिक्स करिएगा। एंड सो इसे ब्राइटनेस को प्लस कर लीजिए कुछ स्टेप सा, एंड फिर से आप लोग सेचुरेशन को माइनस कर लीजिए। एंड एंड से फिर इसका डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए हम लोग इस प्लस वाला आइकन क्लिक कर देंगे, प्लस वाला लेयर है ना दोस्तों नीचे, हम लोग इस वाला आइकन पर क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक कर देखिए हम फिर से यहाँ पे ब्लैक हम लोग यहाँ पे इसे रख के इसे व्हाइट कर लेंगे फेस को। दोस्तों, हम लोग थोड़ा फास्ट इसे व्हाइट कर लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी अच्छे से फेस को व्हाइट कर लीजिएगा। एंड सो फिर से लोग यहाँ से डन कर लें दोस्तों, आप लोगों का फेस यहाँ पे गोरा हो चुका होगा, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके से आप लोग डन कर लीजिएगा। एंड सो डन कर देखिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों, फिर से लोगों को फिर से फोटो को शेयर कर लेना होगा बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए फोटो एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, लोगों को बैकग्राउंड को ब्लर करने होगा हाई ब्लर वन क्लिक में। दोस्तों, लोग फोटो को शेयर कर लेंगे फोटो एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, फोटो को यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एंड लोग फोटो को शेयर कर लेंगे। दोस्तों, फोटो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाए, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पे फोटो शेयर करना कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा दोस्तों। एंड दोस्तों, आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग डाटा को ओपन कर ले लीजिएगा। एंड सो कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड को रिमूव हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इस वाला पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर थ्री नंबर मिल जाए दोस्तों लास्ट में, आप लोग इस वाला आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड सो क्लिक करें दोस्तों, आप लोग कुछ इस टाइप से स्क्रॉल कर दीजिए, यहाँ पर बैकग्राउंड मिला दोस्तों, यहाँ पर बैकग्राउंड है ना दोस्तों। दोस्तों, आप लोग बैकग्राउंड पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड सो क्लिक करना दोस्तों, कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करिए, देखो यहाँ ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ है ना ब्लर। दोस्तों, आप लोग ब्लर ऑप्शन इसे ओपन कर लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। एंड क्लिक करते हम लोग यहाँ पे इसे ओपन हो चुका है दोस्तों। एंड सो लोग का बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हो, वन क्लिक में किस लोग का यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, फिर से हम लोग इस सात नंबर वाला पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सात नंबर है दोस्तों, हम लोग इस वाला पर क्लिक करके हम लोग ब्लर करेंगे दोस्तों।
एंड सो इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, एंड हम लोग कुछ इस से माइनस कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसे कम भी कर सकते हैं एंड पूरा फुल भी कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग जितना बैकग्राउंड ब्लर करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। सो कुछ इस से कम कर लेंगे एंड सो को फोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सल एप्लीकेशन में दोस्तों। शेयर करने के लिए हम लोग इस बार तिरुला पर क्लिक कर लेंगे एंड सो क्लिक करना दोस्तों यहाँ में शेयर का ऑप्शन आ जाए दोस्तों। यहाँ है ना दोस्तों शेयर, तो यहाँ देखिए दोस्तों शेयर शेयर उस पर क्लिक करके हम लोग फोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सल एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों लोगों को फोटो यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन से हो चुका है एंड दोस्तों लोगों को हेयर को कलर करने के लिए हम लोग को रिटेक्स वाला पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटेक्स का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। दोस्तों लोग इस वाला पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों क्लिक करने से यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लोग इसे स्क्रॉल कर लेंगे। देन स्क्रॉल करें दोस्तों यहाँ पे हेयर कलर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे है ना दोस्तों हेयर कलर, दोस्तों लोग हेयर कलर उस पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों क्लिक कर दोस्तों लोगों को फोटो पे यहाँ पे हेयर कलर क्लिक भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर हो चुका होगा। देखिए दोस्तों हम लोग का हेयर हो गया ना कलर एंड दोस्तों लोगों को साइड से इरेजर करने के लिए हम लोग इस वाला पर क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे रबर का ऑप्शन है दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेंगे एंड दोस्तों फोटो कुछ इस टाइप से जूम करेंगे एंड दोस्तों साइड से इरेजर कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से। दोस्तों लोग साइड से इरेजर कर लेंगे एंड सो फिर से हम यहाँ से डन करेंगे दोस्तों। ये सही का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ऊपर में, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों डन कर लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर, दोस्तों फिर से हम लोग इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से भी डन करेंगे एंड सो फिर से हम लोग शर्ट को कलर करने के लिए हम लोग को इफेक्ट वाला पर क्लिक कर लेना दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन है दोस्तों, हम लोग इस वाला पर क्लिक कर लेंगे एंड सो क्लिक करना दोस्तों फिर से इस वाला पर हम लोग क्लिक कर लेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करना दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप लोग जिस भी कलर का आप लोगों को शर्ट को कलर करना है दोस्तों आप लोग यहाँ से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग इस वाला कलर को एडजस्ट कर लेंगे एंड सो फिर से हम लोग इस वाला इरेजर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऊपर में। देखिए दोस्तों हम लोग इस वाला पर क्लिक करेंगे एंड सो क्लिक कर दोस्तों यहाँ पे इन्वाइट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। सबसे लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों इन्वाइट वाला आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड सो क्लिक करना दोस्तों कुछ स्टाइल से फोटो जूम करिएगा एंड सो शर्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा देन कुछ स्टाइल। देखिए दोस्तों यहाँ पर शर्ट का कलर होना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ स्टाइल से लोग कलर हो दोस्तों, आप लोग भी कुछ स्टाइल से आप लोग शर्ट को कलर कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों। थोड़ा फास्ट इससे शर्ट को कलर कर लेंगे दोस्तों एंड सो लोग यहाँ पर शर्ट का कलर हो चुका है दोस्तों। फिर से लोग यहाँ से डन कर लेंगे ऊपर है ना सही का चीन, सो हम इस पर क्लिक कर हम इसे डन कर लेंगे एंड सो देखिए दोस्तों शर्ट कलर बिफोर एंड आफ्टर एंड सो फिर से हम लोग को लिप को रेड करने के लिए हम लोग फिर से रिटेक्स वाला पर क्लिक कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटेक्स का ऑप्शन मिला दोस्तों, दोस्तों आप लोग रिटेक्स वाला पर क्लिक कर लीजिएगा एंड सो क्लिक करना फिर से आप लोग हेयर कलर वाला पर क्लिक कर लेना दोस्तों। कुछ स्टाफ से स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड सो स्क्रॉल करना दोस्तों यहाँ पे हेयर कलर का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड सो क्लिक करना दोस्तों आप लोग यहाँ से बैक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए हेयर कलर हो चुका है दोस्तों, आप लोग इस पर क्लिक कर आप लोग यहाँ से बैक कर लीजिएगा इसे एंड सो बैक करना दोस्तों। आप लोग यहाँ पे कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना दोस्तों, आप लोग कुछ स्टाइल से स्क्रॉल कर लीजिएगा देन स्क्रॉल कर लीजिए आप लोग इस वाला कलर को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड सो सिलेक्ट करने और फिर से आप लोग यहाँ से बैक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बैक का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऊपर में, तो आप इस क्लिक कर से आप लोग बैक कर लीजिएगा एंड सो आप लोग फोटो कुछ इस टाइप से जूम कर लीजिएगा देन जूम करने दोस्तों आप लोग इस ब्रश वाला पर क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, दोस्तों आप लोग बीच वाला पर क्लिक कर लीजिएगा एंड दोस्तों क्लिक आप लोग लिप पर ड्रॉ कर लीजिएगा कुछ उस टाइप से। देखिए दोस्तों हम लोग लिप पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे एंड सो ड्रॉ करा देखिए हम लोग लिप यहाँ पे रेड हो चुका है। देखिए दोस्तों एंड सो आप लोग ज़्यादा रेड यहाँ लिप को रेड करना होगा तो आप लोग इसे फुल कर लीजिएगा दोस्तों। अमाउंट को आप लोग इसे बढ़ाइएगा तो आप लोग लिप यहाँ पर ज़्यादा रेड हो रहा है। देखिए हो रहा है ना, देन कुछ इस टाइप से हम लोग बढ़ा लेंगे एंड दोस्तों को हम लोग पूरा फुल इंक्रीज कर लेंगे दोस्तों। फिर से हम यहाँ से डन कर लेंगे, देखिए ऊपर में सही ऑप्शन में हम लोग इसे क्लिक करके सर डन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, तो दोस्तों फिर से हम यहाँ से डन कर लेंगे इसे भी एंड सो फिर से लोग को पीएनजी को ऐड करने के लिए हम लोग ऐड फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर लेना दोस्तों। आप लोग कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करिएगा तो आप लोग यहाँ पे ऐड फोटो ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग ऐड फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा एंड सो क्लिक कर दोस्तों हम लोग यहाँ से पीएनजी को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें जो जो पीएनजी ऐड करूँगा सबको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं इसे बैकग्राउंड पर पूरा अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेंगे एंड सो इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग इस वाला पर क्लिक कर लेंगे एंड सो क्लिक करा देखिए हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे फिर से। देखिए इस पर क्लिक करें तो हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पर डुप्लीकेट इसे बन जाएगा। देखिए तो हो गया ना दोस्तों, दोस्तों हम थोड़ा फास्ट से बैकग्राउंड पर इसे एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग अच्छे से बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों लोग बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो चुका है दोस्तों पीएनजी। फिर से लोग यहाँ से डन कर लेंगे, देखिए यहाँ सही का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऊपर, हम इस पर क्लिक से हम लोग डन कर लेंगे एंड दोस्तों फिर से हम लोग ऐड फोटो उस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों एंड पीएनजी को फिर से हम लोग ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हम दोनों पीएनजी को यहाँ से फिर से ऐड कर लेंगे एंड सो इस पीएनजी को दोस्तों हम लोग इसे अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे दोस्तों। इस पीएनजी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग भी अच्छे से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड सो फिर से इस पीएनजी को हम लोग यहाँ पे ऊपर में से एडजस्ट कर लेंगे देन कुछ इस टाइप सा एंड सो फिर से लोग यहाँ से क्लिक करके हम लोग डन कर लेते हैं। सही के चिन्ह ऊपर मिला दोस्तों, आप लोग इस पर क्लिक करके डन कर लीजिएगा एंड सो फोटो देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा कि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी वीडियो जा सके। एंड सो लोग फोटो को सेव करने के लिए हम लोग इस वाला पर क्लिक कर लेते हैं, तीर का ऑप्शन मिलेगा ऊपर दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे।